कोविड की संभावित तीसरी लहर के प्रति तैयारी की योजना के तहत IAP और AOP वाराणसी द्वारा 2 दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित की गई। इसमें यूपी एवं अन्य राज्यों से 100 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में AK शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मई के महीने में वाराणसी सहित पूर्वांचल में IAP, AOP, IMA एवं मेडिकल कॉलेजों के बाल रोग विशेषज्ञों के साथ कई बार चर्चा के बाद एक प्लान तैयार किया गया था, जिसमें प्रमुख बातें थीं बच्चों में संक्रमण की संभावना के मद्देनज़र उपचार का प्रोटोकॉल एवं SOP तैयार करना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अस्पतालों को चिन्हित करके उनकी व्यवस्थाओं को और भी उपयुक्त बनाना, ऐसे संक्रमण के उपचार में उपयोगी मेडिकल साधन सामग्री एवं दवाएं खरीदने के लिए समय से सरकारी तंत्र को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना। वहीं इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में वाराणसी सहित कई जिलों के स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मी शामिल हुए।